नमस्कार दोस्तों, क्राम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पेपर सॉल्विंग सेशन के अंदर हमारे पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके क्वेश्चन हमें डिस्कस करने वो है सामान्य रोग कारण और बचाव के उपाय। ये हमें अभी डिस्कस करना है, तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मलेरिया रोग होता है, वो पूछना चाह रहा है मलेरिया रोग किसके कारण से होता है, दैट मीन्स इसका रोग कारक कौन है, पैथोजन कौन है। ठीक है, तो मलेरिया रोग का कारण होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। अब प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जो है, ये जो प्लाज्मोडियम है ये प्रकार का क्या है, प्रोटोजोआ है। ये प्रकार का क्या है, प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ में किसको रखा गया है, प्रोटोजोआ में रखा जाता है एक कोशिकीय जीवों को। जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं उनको हम लोग किस में रखते हैं, प्रोटोजोआ में। जब आप लोग जंतुओं का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वहां आप लोग इनको डिस्कस करते हैं कि नो टाइप के जो आप फाइलम पढ़ते हैं, संघ पढ़ते हैं, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, ये सारे, तो उसमें सबसे पहला जो फाइलम यानी संघ हम लोग डिस्कस करते हैं जंतुओं में वो होता है प्रोटोजोआ। तो इस प्रोटोजोआ में सभी एक प्रकार के एक कोशिकीय जीवों को रखा जाता है, जैसे अमीबा हो गया, यूग्लेना हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ये सारी बातें। तो मलेरिया जो रोग करता है वो एक प्रोटोजोआ करता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। बहुत बार बच्चे होते हैं वो आंसर लगाते हैं मलेरिया होता है सर मादा एनाफिलीज से। मादा एनाफिलीज इसका रोग कारक नहीं है, मादा एनाफिलीज इसका रोग वाहक है। तो रोग कारक और रोग वाहक में डिफरेंस होता है। रोग कारक तो मतलब जो रोग करता है, जो यहां पर कौन कर रहा है, प्रोटोजोआ। और रोग वाहक जो रोग को फैलाता है, जैसे यहां पे अपन पढ़ते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर, वो इस प्रोटोजोआ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, इसलिए मादा एनाफिलीज मच्छर इसका रोग वाहक है। ठीक है, तो मलेरिया का एक और अच्छा क्वेश्चन ध्यान रखना, मलेरिया में जो प्रभावी औषधि हम लोग बात करते हैं वो प्रभावी औषधि आप कौन सी बोलते हैं, कुनेन। ये क्वेश्चन भी खूब बार पेपर्स में पूछा जाता है, मलेरिया की प्रभावी औषधि होती है कुनेन, जो किससे प्राप्त की जाती है, सिनकोना की छाल से। ये खूब बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सिनकोना की छाल से प्राप्त करते हैं। तो मलेरिया की प्रभावी औषधि कुनेन है जो सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। मलेरिया रोग का रोग कारक करने वाला तो होता है कौन, प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। और रोग को फैलाने वाला, रोग वाहक होता है कौन, मादा एनाफिलीज। क्लियर है, अगली बात करते हैं। छोटी माता एवं रेबीज रोग का कारण कौन है, तो छोटी माता और रेबीज ये दोनों रोग होते हैं हमारे किससे, वायरस से। ये वायरस जनित रोग है। वायरस जिसको हम लोग जानते हैं कि वायरस सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की योजक कड़ी है, मतलब न तो इसमें 100% सजीवों के लक्षण है न 100% निर्जीवों के लक्षण है। जब यह कोशिका के बाहर रहता है तब तो यह निर्जीव की भांति व्यवहार करता है, और जब यह कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो यह सजीव की भांति व्यवहार करता है। तो ये क्वेश्चन खूब बार भी पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कौन कहलाती है, तो वो कहलाती है कौन, वायरस। तो वायरस को हम लोग सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। तो अभी जैसे आप पढ़ रहे होंगे कोरोना, COVID-19, तो ये क्या है, वायरल डिजीज ही तो है। और ये जो वायरस है ये हमारे शरीर के बाहर तो एज इट इज ही रहेगा, मल्टीप्लाई नहीं करेगा। दो वायरस है, तीन वायरस है, तो वो तीन के तीन ही रहेंगे। ऐसे नहीं तीन के 10 दिन बाद बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 15 दिन बाद और ज्यादा हो जाएंगे, नहीं। ये संख्या में वृद्धि तभी करेंगे जब हमारे शरीर के अंदर जाएंगे। क्लियर है, तभी तो कहते हैं स्टे सेफ, घर से कम बाहर निकले, इनके कॉन्टेक्ट में कम से कम आए। अगर आपके कॉन्टेक्ट में ये आ जाएंगे या इनके कॉन्टेक्ट में आप आ जाओगे, ये आपकी बॉडी में चले जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई होंगे, तो ये रेप्लीकेट करेंगे, तो ये संख्या में वृद्धि करेंगे, अदरवाइज बाहर नहीं करेंगे, बाहर तो ये एज इट इज ही रहेंगे। क्लियर है, तो छोटी माता और रेबीज दोनों का कारण होता है वायरस, वायरल डिजीज है ये।
तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि वायरस डिजीज कौन कौन सी जो आपको ध्यान रखनी है। तो वायरस से होने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से हैं, एड्स, पोलियो, रेबीज, कन्फेडिया गलसुआ, जुकाम, फ्लू, पीलिया, चेचक, छोटी माता जिसको कहते हैं, हेपेटाइटिस, यकृत शोथ कहते हैं इसको, खसरा, स्वाइन फ्लू, डेंगू, कोरोना, ये सब वायरस से होने वाली बीमारियां हैं। जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाली रोग हैं। कुष्ठ रोग, डिफ्थीरिया, हेजा, प्लेग, टिटनेस, टीबी, क्षय रोग, टाइफाइड, कुकर खांसी, गोनेरिया, सिफिलिस, एंथ्रेक्स, ये सब। प्रोटोजोआ से कौन सी होती है, अमीबता या अमीबियासिस, प्रवाहिका अतिसार, निद्रा रोग, मलेरिया, कालाजार, लीशमानियासिस जिसको कहते हैं, ट्राइकोमोनियासिस। अभी पढ़ने में तो आपको रामायण जैसा लगेगा कि क्या क्या है सर, ये तो हमको ऐसे भी याद नहीं होंगे। मुद्दा ये है कि आपको ये याद रखने ही पड़ेंगे, कारण ये क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि निम्न में से कौन वायरस से होने वाला रोग है, निम्न में से कौन प्रोटोजोआ से होने वाला है, निम्न में से कौन बैक्टीरिया से जीवाणु से होने वाला रोग है। हालांकि आपके फर्स्ट लेवल में ज़्यादा रोग नहीं है, 4-5 रोग ही है जो डिटेल में आपको पढ़ने हैं। सारे रोग आपको सभी टाइप के रोग रटने की जरूरत नहीं है। अब मुद्दा ये कि सर ये याद कैसे रखें, क्योंकि ये भी बहुत सारे, ये भी बहुत सारे, ये तो कम है तो याद हो भी जाएंगे। तो या तो आप वायरस से होने वाले याद रखो या आप बैक्टीरिया से होने वाले याद रखो। मैं आपको एक याद करने की ट्रिक बता देता हूँ, वायरस वाले याद हैं तो अपने आप बचे वाले बैक्टीरिया वाले याद रखने हो जाएंगे आपसे। तो मैं आपको वायरस से होने वाले रोगों को याद करने की ट्रिक बता देता हूँ, क्लियर, देखते हैं। देखिए एक सिंपल सी ट्रिक याद रखना, आपको सारे वायरस से होने वाले रोग याद रहेंगे, क्योंकि डिटेल तो आपको सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है और याद ना तो पढ़ाई जा सकती है वो चीज, वो जब डिटेल में आप पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो वायरस से होने वाले रोग, वायरस जनित रोग, वायरस से होने वाले रोग देखिए कौन कौन से हैं जो आपको याद रखने हैं। एक ट्रिक याद रखनी है, चेतना पिंकी, दो लड़कियां थी, की सास का मिजाज बहुत एड़ा है, एड़ा मतलब खराब है, बेकार है, ठीक है। तो अगर आपको ये सिंपल से लाइन याद है तो आपको सारे ही रोग वायरस से होने वाले याद रहेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंपल से ट्रिक याद रखनी, चेतना पिंकी की सास का मिजाज बहुत एड़ा है रे, यानी बहुत खराब है रे। तो देखो आपको कैसे रोग याद रहेंगे, चे से चेचक, चे से चिकनगुनिया, चे से चिकन ये आपको चैसे याद रखना है रोग। पी से रोग याद रखना है पीत ज्वर, येलो फीवर जिसको कहते हैं, शरीर पे पीलापन आने लग जाता है। पी से आपको पीलिया याद रखना है, पी से पोलियो याद रखना है, ठीक है। सास से एक रोग याद रखना है सार्स, और स से याद रखना है स्वाइन फ्लू, ठीक है। मी से याद रखना है आपको मिजल्स, मिजल्स का मतलब होता है खसरा। ब से आपको याद रखना है बर्ड फ्लू, ए से याद रखना है आपको एड्स, ड से याद रखना है
डेंगू, फिर से याद रखना है हेपेटाइटिस, और रे से याद रखना है आपको रेबीज। हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं बहुत बार, इसके अंदर हाइड्रोफोबिया की कंडीशन आती है। तो ये मैक्सिमम वो वायरल डिजीज है जो आपको एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, हर एग्जाम में पूछी जाती है, हर एग्जाम में काम आती है। तो अगर आपको ये बेसिक सी ट्रिक याद है तो आपको ऑलमोस्ट सभी वायरल डिजीज याद रहेगी। सिंपल सी ट्रिक क्या रखनी, चेतना पिंकी की सास का मिजाज बहुत एड़ा है, जैसे चेचक, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, पीत ज्वर, पीलिया, पोलियो, सार्स, स्वाइन फ्लू, मीजल्स यानी खसरा, बसे बर्ड फ्लू, ऐसे एड्स, ऐसे हेपेटाइटिस, जैसे रेबीज, ऐसे एड्स। क्लियर है? तो अगर आपको ये सिंपल सी ट्रिक याद है तो आपको मैक्सिमम रोग याद रहेंगे। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई आपको। हालांकि ध्यान रखना, पीलिया कोई डायरेक्टली वायरस से होने वाला रोग नहीं है। हिपेटाइटिस और जॉन्डिस यानी पीलिया के अंदर डिफरेंस होता है। हिपेटाइटिस मेनली, ऐसे हेपेटाइटिस भी आप याद रख सकते हैं, ये रहा। हेपेटाइटिस की एक कंडीशन होती है, हेपेटाइटिस होगा तो पीलिया हो सकता है, पर हमेशा पीलिया हो तो आपको हेपेटाइटिस हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस हेपेटाइटिस की एक कंडीशन होती है पीलिया, तो इसलिए हमने पीलिया यहाँ लिखा है, क्योंकि पीलिया बहुत बार आप नाम सुनते भी हो। हालांकि डायरेक्ट इसको कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि पीलिया का डायरेक्ट संबंध जरूर नहीं है, हमेशा किससे हो, वायरस से हो, ठीक है। बट फिर भी आप यहाँ पे लिखते हैं तो आपको ध्यान रखना है। आई थिंक आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रोग के ऊपर, डेंगू रोग का वाहक है। तो डेंगू रोग वायरस से होने वाला रोग है, अभी जस्ट बताया था आपको, और इसका वाहक होता है एडीज मच्छर। तो एडीज एजिप्टाई नामक मच्छर जो होता है वो डेंगू को फैलाता है, यानी डेंगू के वायरस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। हाँ, डेंगू का जो फैलाने वाला यह मच्छर है, इसके साथ खासियत यह कि यह स्वच्छ पानी में रहता है, स्वच्छ पानी में रहता है। जबकि मलेरिया को फैलाने वाला मच्छर कौन था, मादा एनाफिलीस, वो गंदे पानी में रहती है और रात को काटती है, ठीक है ना। ये भी मादा ही है, लेकिन ये थोड़ी क्या है कि स्वच्छ पानी में रहने वाली है और ये दिन में काटती है, ठीक है। ये आपके साथ धोखा नहीं करती है, दिन में काटती है, जबकि वो मादा एनाफिलीस जो है वो रात को काटती है, जब आप सो रहे होंगे चुपके से काट लेगी। तो ये दिन में काटती है, वो रात को काटती है। तो डेंगू रोग का वाहक होता है एडीज मच्छर, ठीक है। तो कुछ बातें करते हैं हम लोग इसके बारे में कि पोलियो जो है, कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पोलियो का रोग कारक पोलियो वायरस है, मतलब आपको बताया था वायरस से होने वाला रोग है। संक्रमण जो इसका होता है, इन्फेक्शन, वो दूषित भोजन और जल से होता है। ध्यान रखना, दूषित भोजन और जल, जल से फैलने वाला रोग है। बहुत बार ऐसे भी पूछते हैं कि जल से फैलने वाला रोग कौन सा है, पोलियो भी है। लक्षण, तेज बुखार आएगा, आपको खांसी होगी, 3-4 दिन बाद रोगी हाथ पैर नहीं हिला पाता, क्योंकि इसमें तंत्रिकाएं जो होती है वो प्रभावित होती है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और इसके टीके की खोज, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, किसने की थी, जॉन साक नामक साइंटिस्ट था जिसने इसके टीके की खोज की। और साइंटिस्ट था जिसका नाम था एल्बर्ट, ने 1955 में OPV ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि टीके की खोज का श्रेय जाता है जॉन साक को, और एल्बर्ट ने 1955 में OPV ओरल पोलियो वैक्सीन की क्या की थी, खोज की थी। तो ये दो बातें आपको अलग से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं मलेरिया के बारे में। आपको बताया था मलेरिया किससे होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। पोलियो वायरस से हो रहा था, ये प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ का मतलब मैंने बताया था, इसमें कौन से प्रकार के जीव होंगे, एक कोशिकीय जीव होंगे। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, ये बताया था अभी प्लाज्मोडियम। मादा एनाफिलीस इसका मच्छर है, जो इसका क्या है, वाहक है। और अभी बताया था ये कौन से पानी में, गंदे पानी में रहती है और
कब काटती है? रात को काटती है। तो सर्दी होकर तेज बुखार आता है, इसमें सिर दर्द होता है, यह प्रोटोजोआ जनित रोग है जो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दिखने में आपको ये ऐसा दिखता है, खैर देखने से आप पता नहीं लगा सकते ये मच्छर कौन सा है, क्योंकि हम लोग इतना अच्छे से इसको विजुअलाइज नहीं करते, हमारे लिए सारे मच्छर एक ही है। ठीक है, जो भी हमारे लिए खून पीता है वो सभी क्या है? मच्छर, मच्छरों की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेंगू, डेंगू बताया था किससे होने वाला रोग है? वायरस, वायरस का मतलब होता है हिंदी में विषाणु। डेंगू वायरस या विषाणु से होने वाला रोग है। मादा एडीज एजिप्टाई मच्छर, आपको बताया इसका क्या है? वाहक। मादा एडीज मच्छर डेंगू का वाहक है, मादा एनाफ्लीज मलेरिया का वाहक है। बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस यही रिपीट होते हैं बार बार में जो आपको पूछे जाते हैं। इसमें भी क्या होगा? आपको तेज बुखार होगा, सिर दर्द होगा, जोड़ों मांसपेशियों में दर्द होगा। तो जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होता है तो आपको ऐसा लगता है उठते बैठते कि आपकी हड्डियों में पेन हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, हड्डियां टूट गई है। तो हड्डियां टूट गई इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर, हिंदी में कहते हैं ब्रेक यानी तोड़ना, बोन यानी हड्डी, फीवर यानी बुखार। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रेक बोन फीवर यानी हड्डी तोड़ बुखार के नाम से किसको जाना जाता है? तो हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है किसको? डेंगू को। बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर एक बार आपके इसका इन्फेक्शन हो गया तो कम से कम 2 से 3 महीने 4 महीने तक आपको इसके साइड इफेक्ट्स झेलने को मिलते हैं। आपके पेन होता रहेगा, आपके बॉडी में इचिंग होगी, खुजली होगी, जहाँ पे आप इसको खुजलोगे रेडनेस आ जाएगी। ठीक है, तो डेंगू में आप लोग कीवी फ्रूट खा सकते हैं, नारियल पानी पिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट लें, और बकरी का दूध पी सकते हैं आप लोग। तो ये आपके लिए अच्छी एक प्रकार की क्योर करने के लिए सामग्री हो सकती है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये बात हो गई किसके बारे में? डेंगू के बारे में। नेक्स्ट, अमीबायोसिस। अमीबायोसिस जो है ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है ये भी। हालांकि आपके सभी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग सब नहीं है डिटेल में, तो ये भी अमीबायोसिस भी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। ये दूषित जल और भोजन की वजह से फैलता है। जब भी आप गंदा पानी पीते हैं तो उसकी वजह से ये हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं, आंत में चले जाते हैं, इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, और आपको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो आपको छाती में जलन होगी, दस्त होगी, कमजोरी होगी, वजन कम होने लग जाएगा। रोगी को 2-3 दिनों तक नींबू का रस पीना चाहिए, उपवास रखना चाहिए। किसी के लिए भी आप उपवास सकते हो, तो आप अमीबायोसिस में भी उपवास रख सकते हो। थोड़े दिन तक आपको बहुत ज़्यादा हैवी फूड नहीं लेना चाहिए, लाइट फूड लेना चाहिए, कम खाना चाहिए। तो ये हुई अमीबायोसिस की बात। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परीक्षण HIV से संबंधित है? वेल नोन क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से पता है HIV यानी जब हम लोग कहते हैं एड्स रोग होता है, तो एड्स रोग को करने वाला कौन सा वायरस है? HIV वायरस। तो HIV का वी का मतलब ही वायरस ही है यहाँ पे। तो HIV जो है इसका संबंध किससे? विडाल टेस्ट। गलत है, ये गलत है, ये गलत है, एलिसा। तो आपने खूब बार नाम सुना होगा एलिसा टेस्ट, ये तो इसका सबसे फेमस क्वेश्चन है कि एलिसा टेस्ट किसके लिए जनरली कराया जाता है? तो एड्स का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एलिसा परीक्षण करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। ठीक है, अभी आगे जा जाएगी डिटेल सारी। तो HIV का जो संबंध होता है वो एलिसा टेस्ट के साथ है। ठीक है, समझते हैं आगे, एड्स की डिटेल देखते हैं। एड्स का फुल फॉर्म याद रखना है एक तो आपको, A4 एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है रोग या रोगों का समूह। सिंड्रोम का मतलब होता है रोग या रोगों का समूह, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। मतलब ऐसे रोगों का समूह जिसमें एक्वायर्ड का मतलब जो आपकी अर्जित, इम्यूनो मतलब प्रतिरक्षा जो है उसमें डेफिशिएंसी यानी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो ऐसा रोग या रोगों का समूह जिसमें आपकी अर्जित प्रतिरक्षा में क्या हो जाए? कमी हो जाए, ऐसे रोग को कहा जाता है एड्स। क्लियर है? रोग कारक आपको पता है कौन सा वायरस है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका पूरा नाम होता है।
कि ऐसा वायरस जो ह्यूमन की इम्यूनिटी यानी प्रतिरोधक क्षमता में क्या कर देता है, कमी कर देता है, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है HIV। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यह टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं को नष्ट करता है। हमारी बॉडी में ब्लड पढ़ते हो आप, ब्लड के अंदर पढ़ाते हैं आपको RBC, WBC, प्लेटलेट। तो WBC के टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं, तो वहां पर आप एक पढ़ोगे टी लिम्फोसाइट, तो इन कोशिकाओं को ये नष्ट कर देता है। और ये कोशिकाएं क्या करती है, आपको प्रतिरक्षा देती है। तो जब ये कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी तो आपकी प्रतिरक्षा भी क्या हो जाएगी, कम। प्रतिरक्षा का मतलब क्या है, रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको कहते हैं। तो ये टी लिम्फोसाइट आपको प्रतिरक्षा दे रही है, प्रतिरक्षा दे रही है, तो टी लिम्फोसाइट जब नष्ट हो जाएगी इसकी वजह से, तो प्रतिरक्षा में क्या हो जाएगी, कमी। प्रतिरक्षा में डेफिशिएंसी, कमी होगी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एड्स कहते हैं। क्योंकि जैसे ही आपकी प्रतिरक्षा कम होने लगेगी, बाहर से रोगाणु, जीवाणु, वायरस आपकी बॉडी पर अटैक करेंगे और आपको क्या कर देंगे, बीमार कर देंगे। यही है एड्स। तो एड्स कोई रोग नहीं है, एड्स तो एक रोगों का समूह है, इसलिए सिंड्रोम कहा जाता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है तथा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे क्या होने जाती है, कम होने लग जाती है। और प्रतिरोधक क्षमता कम होगी तो आप कंटिन्यू बीमार रहोगे। संक्रमण कैसे होता है, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित व्यक्ति से रुधिर का आदान प्रदान करना, संक्रमित सुई से और संक्रमित मां से शिशु में, ये कुछ कारण है जिनकी वजह से एड्स फैलता है। निदान क्या करें, तो आपको पता है पता लगाने के लिए पहले तो हम क्या कराएंगे, एलिसा टेस्ट कराएंगे। एलिसा का फुल फॉर्म मैंने समझाया था, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे, फुल फॉर्म याद रखना आपको, इम्पोर्टेंट है। तो एक तो ये एलिसा इसका सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है पता लगाने का, और प्रारंभिक पहचान हेतु हम लोग करते हैं। तो वेस्टर्न ब्लोटिंग टेस्ट, निश्चयात्मक परीक्षण के लिए हम लोग WBT करते हैं, वेस्टर्न ब्लोट टेस्ट, नाम याद रखना पड़ेगा। इसके द्वारा हम लोग सटीक पता लगा सकते हैं कि एड्स का संक्रमण है या नहीं। जो एलिसा है वो तो स्टार्टिंग का प्रारंभिक परीक्षण है, जस्ट आपको डायग्नोस करने के लिए कि यार एलिसा अगर पॉजिटिव आ रहा है या एलिसा का जो टेस्ट है वो सही आ रहा है, दैट मींस हो सकता है आपको एड्स हो। लेकिन कन्फर्मेटरी टेस्ट, निश्चयात्मक परीक्षण हम लोग करते हैं WBT से, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये कन्फर्म बताएगा कि व्यक्ति को HIV का इन्फेक्शन है या नहीं है, उसको एड्स हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक है, संक्रामक का मतलब क्या होता है, संक्रामक का मतलब जो एक से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए, अब चाहे वो बाई एयर जाए, बाई वाटर जा सकता है, बाई सेक्स जा सकता है, बाई टच जा सकता है, कैसे भी जा सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे में ट्रांसमिट हो रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे में फैल रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, संक्रामक है। तो संक्रामक रोग कौन सा है, तो संक्रामक रोग डायबिटीज नहीं होता, हार्ट अटैक एक दूसरे को देख के नहीं आता, ऐसा थोड़ी किसी को देख के आपको अटैक आ जाएगा, जिंदगी में हो सकता है पर रियल लाइफ में नहीं होता ऐसे कभी कि हाँ सामने वाले को देखा और आपको इधर अटैक आ गया। हार्ट अटैक कोई संक्रामक नहीं है, ठीक है ना। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, हाँ बहुत बार आप ये कहते हैं कि सर मेरे को तो उसको देख के BP बढ़ गया, तो ये सब फालतू की बात है, किसी को देख के BP नहीं बढ़ता, वो जो BP है वो संक्रामक रोग नहीं है कि उसके BP बढ़ रहा है तो आपके भी BP बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर कोई संक्रामक रोग नहीं है, वो तो बहुत बार क्या होता है, आप ज़्यादा टेंशन की वजह से और आपके हार्ट की ज़्यादा हार्ट रेट की वजह से भी ऐसा होता है। इसका आंसर जाएगा डिफ्थीरिया, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग डिफ्थीरिया, जो एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, जीवाणु से होने वाला रोग है। तो ये एक संक्रामक रोग है क्योंकि वो बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह इसको फैलाएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, डिफ्थीरिया। तो देखते हैं संक्रामक असंक्रामक है क्या एग्जैक्टली, रोगों को हमने संक्रामक और असंक्रामक दो कैटेगरी में बांट रखा है। संक्रामक मतलब तो हमने बताया है कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले, और असंक्रामक जो किसी व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहे, जैसे अगर मुझे विटामिन ए की कमी है तो मुझे ही रहेगी वो, आपको विटामिन ए की कमी थोड़ी होगी मेरी वजह से, नहीं होगी। तो विटामिन की कमी से होने वाले, हार्मोन्स की कमी से होने वाले, ये सब असंक्रामक होते हैं क्योंकि ये फैलते नहीं है, किसी दूसरे के अंदर ट्रांसमिट नहीं होते, इनको ले जाने वाला कोई वाहक नहीं है। जबकि बैक्टीरियल वायरल जनरली क्या होते हैं, संक्रामक होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस जब एक से दूसरे में जाएंगे तो उसको भी ये रोग कर देंगे। तो संक्रामक का मतलब यानी
कम्युनिकेबल डिजीज जिसको आप कहते हैं, ऐसे रोग जो किसी भी माध्यम हवा पानी भोजन यौन संबंध रक्तदान आदि से एक व्यक्ति से दूसरे को हो जाए, जैसे हेजा डिफ्थीरिया क्षय रोग प्लेग टाइफाइड खसरा मलेरिया रेबीज एड्स। तो वायरल और बैक्टीरियल डिजीज इसके अंदर जनरली आती है, ठीक है। प्रोटोजोअल डिजीज आती है जो भी किसी वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ किसी कारण से होता है जो एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो सकते हैं, तो वो रोग भी एक से दूसरे में फैल सकते हैं। असंक्रामक जो एक व्यक्ति विशेष तक सीमित रहता है, एक से दूसरे में नहीं जाता, जैसे वही मधुमेह हार्ट अटैक हाई ब्लड प्रेशर। शरीर में किसी पदार्थ की कमी या अधिकता से होने वाले रोग, मेरास्मस रिकेट्स कैंसर एलर्जी आदि, जैसे आप पढ़ते हैं ना प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकोर और मेरास्मस होता है, तो प्रोटीन की कमी से हो रहा है। अब किसी व्यक्ति में प्रोटीन की कमी है तो आप उसके साथ खाना बैठ के खाओगे तो आपको थोड़ी होगी, उसी के अंदर रहेगी। तो ये मेरास्मस रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, वही विटामिन की कमी से होने वाले, हार्मोन की कमी या अधिकता से होने वाले, ये सभी रोग असंक्रामक की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये उस व्यक्ति तक ही रहते हैं, दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते। कारण साफ है, क्योंकि इनको फैलाने वाला कोई रोग कारक नहीं है, रोग वाहक नहीं है। रोग कारक तो अपन पर्टिकुलर यूज नहीं कर सकते बट, लेकिन रोग वाहक इनको फैलाने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए फैलते भी नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आप बैठ के खाना खाओगे घूमोगे फिरोगे तो आपको ये रोग नहीं होंगे, क्योंकि इन व्यक्ति से निकल कर आप तक ये नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इनको फैलाने वाला कोई रोग वाहक नहीं है, ठीक है। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, तो आपको भी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, 1995, ठीक है, 1995 में। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ऑब्वियसली बात है, पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाया इसलिए गया होगा कि पूरे देश को आप पोलियो मुक्त कर दें, किसी भी व्यक्ति को पोलियो ना हो। तो पोलियो का उपचार नहीं करना, लगवा नहीं, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, कंप्लीटली पोलियो को आप क्या कर दें, अपने यहाँ से खत्म कर दें। तो इस वजह से पल्स पोलियो अभियान चलाया गया था। और ये आरंभ कब किया गया था, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था, 1995 में। डिटेल देखते हैं। पोलियो, पोलियो को पोलियो माइलिटिस भी कहा जाता है, और ऑब्वियसली बात है संक्रामक रोग है। आपको बताया था पोलियो पोलियो वायरस की वजह से होता है, तो वायरस बैक्टीरिया प्रोटोजोआ फंगल इन्फेक्शन ये तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है संक्रामक रोग कहलाएंगे, जो एक ऐसे वायरस से उत्पन्न होता है जो गले तथा आंत्र में रहता है। तो जनरली गले तथा आंत्र में रहता है इसका वायरस। तो पोलियोमाइलिटिस एक ग्रीक शब्द पोलियो से आया है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है भूरा, और माइलियोस का अर्थ होता है मेरुरज्जु, और आइटिस का अर्थ है प्रज्वलन। यानी आपकी जो मेरुरज्जु है स्पाइनल कॉर्ड, जिसको आप जनरली रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, वहां क्या आती है आइटिस, प्रज्वलन, मतलब सूजन, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, खूब सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो वहां पे ये क्या होगा, प्रभावित करेगा, और वहां प्रभावित करेगा तो ऑब्वियसली बात है आपके तंत्रिका तंत्र वाला भाग प्रभावित हो रहा है, तो जहां जहां इससे संबंधित तंत्रिका होगी वो कार्य करना बंद कर देगी, ठीक है। तो आपका वो पर्टिकुलर पार्ट, जैसे हाथ का पार्ट हो गया, पैर का पार्ट हो गया, जनरली पैर के पार्ट के अंदर, तो वो तंत्रिकाएं इनएक्टिव हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, तो वो आपका वो पैर या वो भाग काम करना क्या कर देता है, बंद कर देता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कि पर्टिकुलर पार्ट में लकवा हो गया, क्लियर है। तो पोलियो का मतलब अभी हमने देखा है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। ये आमतौर पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित व्यक्ति के मल के माध्यम से फैलता है, और नाक और मुंह के स्त्राव से भी फैलता है। हालांकि ये मुख्यतः 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को ही होता है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 0 से 5 वर्ष तक ही होता है, ये पैदा होने से लेकर के बच्चा 5 साल तक होगा तभी होगा। तभी तो अपन ने बचपन में ही पोलियो की दवाई पिलाते हैं, ऐसा थोड़ी है अब आप 20 साल के 25 साल के हो गए घर वाले कह रहे जा पोलियो की दवाई पी के आ जा, नहीं, बाद में इसका कोई साइंस नहीं रहता, 5 साल के बाद ये आपको इफेक्ट नहीं करता। तो 0 से 5 साल तक, मतलब पैदा होने से लेके 5 साल तक के ही बच्चे को पोलियो होता है, इसी की संभावना होती है, इसके बाद इसकी संभावना नहीं होती। इसलिए बचपन में अपन एक अभियान चलाते हैं, अपन ने पढ़ा होगा, आप देखा होगा, आपने इवन देखा होगा
कि दो बूंद जिंदगी की, घर घर जाकर के पोलियो की ड्रॉप पिला रहे हैं। ठीक है, तो 0 से 5 साल तक के बच्चों को ही होता है, क्योंकि उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। पोलियो का पहला टीका बताया था जॉन सोक द्वारा, विकसित किया गया था जॉन साक। गौरतलब है कि दक्षिण पूर्व एशिया सहित भारत को वर्ष 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। तो बहुत बार पूछा भी जाता है कि भारत से किस रोग का उन्मूलन हो चुका है, किस डिजीज का इरेडिकेशन हो चुका है इंडिया से, तो आपको आंसर देना है पोलियो का, पोलियो मुक्त हो चुका है। हाँ, कुछ केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऑन पेपर अगर आपको कोई पूछे कि क्या पोलियो खत्म हो चुका है, तो आप बोलेंगे सर 2014 में खत्म हो चुका। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान। तो भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयास के परिणाम स्वरूप 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण पीपीआई कार्यक्रम क्या किया था, आरंभ। सन बहुत इंपोर्टेंट है, आपको जो पूछा था 1995। इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक ओपीवी की खुराक दी जाती है। देखा हुआ आपके घर पे बार बार आते हैं छोटे बच्चों को दवाई पिलाने के लिए, तो 5 साल तक के बच्चों को आप ओपीवी दें ताकि उनको पोलियो ना होवे। ओपीवी के बहुत बार फुल फॉर्म पूछते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन, वैक्सीन मतलब टीका। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, पोलियो को संपूर्ण उन्मूलन करना, कंप्लीटली जड़ से इसको क्या करना, आपको खत्म करना। पल्स पोलियो अभियान का स्लोगन आपको पता ही है, दो बूंद जिंदगी की, दो बूंद जिंदगी की, दो बूंद पिलाओ और बच्चे को जिंदगी दो, बच्चे को पोलियो से बचाओ। पल्स पोलियो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है, करंट के लिए आप याद रख सकते हैं। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये कुछ जनरल नॉलेज के लिए करंट टॉपिक से आपको पूछे जा सकते हैं कुछ बातें। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सरल उत्तक नहीं है। हालांकि सरल उत्तक जो है वो ये है, तो ये सभी सरल उत्तक की कैटेगरी में आते हैं। जाइलम सरल उत्तक नहीं है, ये जटिल उत्तक है। कैसा उत्तक है ये? जटिल उत्तक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। अब ये क्या होते हैं सरल और जटिल, तो ओवरव्यू में अभी समझाऊंगा आपको। जनरली सरल उत्तक का मतलब क्या होता है, उत्तक किससे बनते हैं, उत्तक कोशिकाओं से बनते हैं। तो जो एक समान प्रकार की कोशिकाओं से बनेंगे वो सरल उत्तक है, जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बनेंगे वो जटिल उत्तक है। क्लियर है, सरल उत्तक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने, जटिल उत्तक जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने। देखते हैं क्या है, तो सरल स्थायी उत्तक, सरल स्थायी उत्तक देखिए क्या है, एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती है। एपिडर्मिस मतलब जो आपकी त्वचा होती है, त्वचा के लिए यूज करते हैं, तो कुछ परतें होती है इसके नीचे जिसे सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। यह जीवित कोशिकाएं होती है, ऑब्वियस बात है आपकी ये जो कोशिकाएं वो जीवित है तथा बंधन मुक्त होती है, फ्री होती है। इनके मध्य काफी रिक्त स्थान पाया जाता है, स्पेस होता है इनके बीच में काफी। तो पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा को बोलते हैं, मृदु तक सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है। इंग्लिश में ही याद रखना, क्योंकि पेपर में आपके एग्जाम में भी इंग्लिश वर्ड ही दिए गए थे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो मृदु तक जो होता है सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है। उदाहरण कौन कौन से होते हैं सरल स्थायी उत्तक के, पेरेन्काइमा यानी मृदु तक, मृदु तक, कोलेन्काइमा यानी स्थूल कोण तक, और स्क्लेन्काइमा मतलब दृढ़ उत्तक। तो ये तीन मेनली इसके अंदर हम लोग इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका एक आपको ओवरव्यू, ठीक है नहीं दे रखा, मैं आपको समझा देता हूं, इसका एक डायग्राम बनवा देता हूं आपको, ताकि आपको ध्यान रहेगा। उत्तक, ये पादप उत्तक की बात हो रही है। ठीक है, पादप उत्तक जो है वो दो में कैटेगराइज कर रखे हैं मेनली,
एक तो विभज्योतक, विभज्योतक को बोलते हैं मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरा होता है स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। अब जो विभज्योतक होते हैं इसके तीन टाइप होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम यानी शीर्षस्थ विभज्योतक, एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल। दूसरा होता है इंटरकैलरी पार्श, पार्श लिख दो, पार्श विभज्योतक, लेटरल मेरिस्टेम। और तीसरा होता है इंटरकैलरी अंतर्वेशी, इंटर कैलरी। ये तो क्या है, विभज्योतक के प्रकार है। अब स्थायी ऊतक जो होते हैं ना, ये दो में कैटेगराइज कर रखे, दो में कौन कौन से, एक तो सरल ऊतक और दूसरा जटिल ऊतक, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सरल के तीन पार्ट आप पढ़ते हो जो भी मैंने जस्ट बताया, दृढ़ ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, और विभज्योतक। जटिल में आप मेनली दो पढ़ते हो, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम को दारु ऊतक कहते हैं और फ्लोएम को कोशवाहक ऊतक कहते हैं। ये एक ओवरव्यू है किसका, प्लांट टिश्यू का। पादप ऊतक ये होते हैं, दृढ़ ऊतक को अभी बताया था मैंने आपको, क्या कहते हैं, पेरेनकाइमा, ये होता है कोलेनकाइमा और ये होता है स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट पूछ लिया था कि सरल ऊतक कौन से हैं, तो ये तीनों तो जो थे ये सरल हैं, और जो जाइलम या फ्लोएम दे रखा है वो कैसा है, जटिल है। तो क्वेश्चन देखिए आपको क्या था, क्वेश्चन था कौन सा सरल ऊतक नहीं है, तो जाइलम जटिल ऊतक है, ये तीनों ही तो हैं सरल ऊतक। ठीक है, मतलब जब मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के बाद, पक्षमाप उपकला प्राणियों के शरीर में कहां मिलती है। तो सीलियरी एपिथेलियम जो आपको मिलती है वो श्वसनिका में मिलती है, श्वसनिका। ठीक है, तो एल्वियोली आप आगे पढ़ते हो, जब श्वसन तंत्र पढ़ोगे तो वहां पे अलग अलग पार्ट्स पढ़ेंगे हम पूरे श्वसन के, एल्वियोली क्या है, ट्रेकिया क्या है, ये सारी बातें। तो आपको याद रखना श्वसनिका में पाई जाती है कौन, पक्षमाप उपकला। क्या करती है देखते हैं, तो देखो एपिथेलियम ऊतक की संरचना है, ऊतक का प्रकार है एपिथेलियम, ये जंतु ऊतक है ध्यान रखना। अभी आपको जो मैंने पढ़ाया था इससे पहले वो पादप ऊतक था, प्लांट टिश्यू था, ये है एनिमल टिश्यू। तो एपिथेलियम ऊतक की संरचना है कार्य के आधार पे, तो ये चार प्रकार की होती है, स्तंभाकार जिसको पक्षमा भी कहते हैं, शल्की, घनाकार और स्तरित शल्की। नाम याद रखने पड़ेंगे, स्तंभाकार या पक्षमाभी, पक्षमाभी जो होती है ये लंबी और पतली एपिथेलियम कोशिकाएं होती है जिनका कार्य होता है अवशोषण, वह स्त्राव वाले स्थानों पर पाई जाती है। ये मेनली अभी जो बताया आपको, श्वास नली में स्तंभाकार एपिथेलियमी ऊतक की कोशिकाओं पर बाल जैसी रचनाएं होती है जिन्हें पक्षमाप सीलिया कहते हैं। ये पक्षमाप क्या करते हैं, गति कर सकते हैं तथा इनकी गति श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करती है। तो हमारे अंदर जो श्लेष्मा होते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ये सीलिया या पक्षमाप होते हैं। ये इस तरह से होते हैं, जैसे ये इस तरह की संरचनाएं होती है जो इसको आगे बढ़ाती है श्लेष्मा को। शल्की क्या करती है, अत्यधिक पतली और चपटी होती है तथा कोमल अस्तर का निर्माण करती है, आहार नाल तथा मुंह का अस्तर शल्की एपिथेलियम से ढका रहता है, त्वचा भी इन्हीं शल्की एपिथेलियम से बनी होती है।
कुल मिला के देखो आपको ये पोर्शन याद ही होना चाहिए। थोड़ा सा आपके लिए ये हो सकता है हेक्टिक लगे, बट उब तक आपके सिलेबस में है तो आपको ये याद होने जरूरी है। ठीक है, घनाकार क्या करती है, ये वृक्कीय नली और लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करती है जहां तक उसे यांत्रिक सहारा प्रदान करे। और स्त्रित छल की क्या करती है, त्वचा पर पाए जाने वाले छल की एपिथेलियम त्वचा को कटने फटने से बचाने के लिए कई परतों के पैटर्न के रूप में व्यवस्थित होती है, इसलिए इसे स्त्रित छल की एपिथेलियम कहा जाता है। ये आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई अल्टरनेट नहीं है, ये तो दो तीन बार आप जब तक रटोगे नहीं तब तक आपको चीजें याद नहीं रहेगी। क्लियर आई थिंक आपको यहां तक की बात। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है आपके एग्जाम्स के लिए, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको पूछे गए। हालांकि ये लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लेंदी लग सकता है क्योंकि इसमें याद करने की चीजें बहुत सारी है, समझने की चीजें कम है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।